आज बग्गड़ के इस कार्यक्रम में आप लोगों ने मुझे न्यू इंद्रप्रस्थ कोचिंग संस्थान के नए भवन के लोकार्पण के अवसर पर दो काम किए, एक तो पार्टी की ओर से भी और इंस्टीट्यूट की कोचिंग इंस्टीट्यूट की ओर से भी। आप लोगों ने यह कार्यक्रम रखा, जिस कार्यक्रम के अंदर हम आप सबसे मुलाकात करने का मौका मुझे दिया, मैं सबसे पहले धन्यवाद देना चाहती हूँ, क्योंकि मैं देख रही हूँ कि ये जो कोचिंग संस्थान है, इसका जो नया भवन आप लोगों ने बनाया है, वो फौजी बच्चों की कोचिंग के लिए, ताकि वो फौज के अंदर तैयार होके और जल्दी भर्ती हो जाए, ऐसी स्थिति आप में बनाने की एक योजना बना के ये कोचिंग संस्थान बनाया है। मैं समझती हूँ कि बहुत अच्छी बात है, क्योंकि झुंझुनू सीकर इस शेखावाटी एरिया के अंदर ज्यादा से ज्यादा लोग फौज में भर्ती हैं, और इसीलिए जब भी यहाँ आते हैं मिलिट्री के लोग और यहाँ कैंप करते हैं, उसमें अपने बच्चों को ये फायदा मिले, ये एक अपने आप में एक बहुत अच्छा और नवीन सोच है। और मैं आप लोगों को बधाई देना चाहती हूँ कि ये कार्यक्रम आप लोगों ने इतने अच्छी तरीके से संपन्न किया। इस कार्यक्रम में इतनी तादाद में लेडीज भी हैं, आप लोग सब यहाँ बैठे हैं, बगड़ के सब लोग उपस्थित हैं। ऐसी स्थिति के अंदर आप लोगों को देखकर मुझे बहुत खुशी हुई, और यहाँ संभाल लेना प्लीज, यहाँ कोई इलेक्ट्रिक्यूट ना हो जाए, उधर से हट जाओ आप लोग, कहीं बिजली का शॉक वॉक ना लग जाए आप लोग। आज बग्गड़ के अंदर कार्यक्रम मेरे इस यात्रा के अंदर हुआ है। आज यात्रा के करीबन 128 मीटिंग कंप्लीट हो गई है, 4 महीने निकल गए हैं, क्योंकि अप्रैल के महीने में शुरू, तो अप्रैल मई जून और जुलाई अपन चल रहे हैं, 3.5 महीने हो गए हैं, और 9000 किलोमीटर कंप्लीट करने को आ रहे हैं, 5 संभाग के अंदर, और ये 6ठा संभाग चालू हुआ है 1 तारीख से। बहुत कुछ देखने को मुझे मिला है, और सब कुछ जो मेरे को देखने को मिला है वो मेरे बहुत हताशा मेरे में उत्पन्न हुई है, बहुत दुखी हुई हूँ, क्योंकि जब हमने सरकार को छोड़ के इस सरकार को दिया था तो बहुत कुछ चीजें हम लोगों ने शुरू कर दी थी। मैं तो पैसा भी छोड़ के गई थी, मैं समझती हूँ कि कोई भी पिछले सरकार ने ऐसा नहीं किया था, पूरा साफ सुथरा कर करा के खजाना 5000 करोड़ रुपए उसमें छोड़ के 1700 करोड़ रुपया आपके राजस्थान इम्प्रूवमेंट फंड के अंदर छोड़ के मैं यहाँ से गई थी, करीबन 7000 करोड़ छोड़ के। और आज जो स्थिति बन रही है, कल मेरे को कोई IAS अफसर मिले थे, वो मेरे को ये कह रहे हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि 2 या 3 महीने के बाद हमको हमारी तनख्वाह न मिले। ऐसी स्थिति अगर राजस्थान के अंदर हो जाती है तो मुझे समझ में नहीं आता है कि हमारा राजस्थान कहाँ जाएगा। आज हमारी कोशिश ये है कि हम गुजरात के लेवल पे, हम तमिलनाडु के लेवल पे, सबसे बढ़िया से बढ़िया जो स्टेट राजस्थान के अंदर है, देश के अंदर है, उस लेवल पे हमारा राजस्थान हो जाए। इतिहास में राजस्थान का नाम हुआ करता था, तो आप लोग सब जानते हो महाराणा प्रताप का नाम, उसके साथ साथ ये कि स्वाभिमान और इज्जत से रहने वाले लोग राजस्थान के, किसी के सामने अपना सर नहीं झुकाते, ऐसे लोग भूख से मरने को तैयार है परंतु अपने ईमान और इज्जत से किसी को खेलने नहीं देंगे, ऐसे लोग। और इस राजस्थान को देखने के लिए दूर दूर से पर्यटक आज भी आते हैं, परंतु आज हमारा प्रदेश इस तरह से कलंकित हो गया है। मैं समझती हूँ कि उस गड्ढे में से निकालना ये बहुत ही मुश्किल का काम, पर बहुत जरूरी काम है, और इस काम को आप सरकार के हाथ पर नहीं छोड़ सकते। इसमें हम सबको मिलके, इसका मतलब है सब जाति, सब मजहब, सब लोग एक दफा मिलके सब साथ चलेंगे, तब तो शायद हम लोग तमिलनाडु, गुजरात, कर्नाटका, इन सब के साथ, मध्य प्रदेश, इन सब के साथ एक लाइन में आने की कोशिश करेंगे। मैं देखती हूँ कि अगर 15 साल के अंदर गुजरात कहाँ से कहाँ पहुंच सकता है, और मध्य प्रदेश 10 साल के अंदर पहुंच सकता है, तो 53 साल का एक छत्र राज के बाद क्या हम लोग आगे नहीं बढ़ सकते। 65 साल हो गए भाइयों, वो माता बहन 65 साल निकल गए, तो 65 साल में से अगर मेरे 5 साल आप निकाल दीजिए, और उधर आपके 7 साल भैरव सिंह जी के निकाल दीजिए, तो 12 साल निकालने के बाद 53 वर्ष आपके पास रह जाते हैं, जो एक छत्र राज कांग्रेस के पास हो। मैं तो सिर्फ इतना कह सकती हूँ कि मेरे को 53 वर्ष मिल जाते तो यहाँ तो चमन होता,
आप लोगों को कभी पीछे मुड़ के देखने की जरूरत नहीं है। पहली बार राजस्थान के इतिहास में हम लोगों ने चला के सिंगल फेज बिजली घरों के लिए दी, और मैंने तब 18 घंटे से 20 घंटे तक उसको ला के छोड़ दिया था। मैं आज भी कह रही हूँ, सरकार अपनी बनती है तो 24 घंटे बिजली आपको घरों के अंदर मिलेगी। मैं नहीं समझ पाती, और मैंने तब भी हमारे अफसरों को कहा, हम काहे का पेमेंट लेते हैं अगर हम सही तरीके से और क्वालिटी की बिजली नहीं दे पाते हैं, तो हम उस बिजली का पैसा लेने का भी हकदार नहीं। हम अगर सही तरीके से बिजली देते तो सही अपना क्या। यहाँ घरेलू बिजली जो 3 दफा बढ़ चुकी है, और घरेलू बिजली के जो अलावा बिजली है वो 5 दफा उसके दाम बढ़ चुके हैं। 53% से ज्यादा बिजली का भाव हमारे राजस्थान के अंदर बढ़ चुका है, परंतु जो डिलीवरी है बिजली की वो घटिया से घटिया होते गए। आज मैं सब लोगों से पूछते आती हूँ तो एक ही जवाब है सबका, कि किसान को बिजली नहीं मिल रही है, 3 या 4 घंटे बिजली मिलती है, बहुत जोरदार ट्रिपिंग होती है, और हम लोगों को अगर हमारा वो क्या खराब हो जाता है ट्रांसफार्मर, तो महीनों वो नहीं मिलता, और रिश्वत देते तो मिल जाता है। और ये VCR जो चल रहा है, उस VCR की वजह से लाख लाख रुपया लोगों से, गरीब लोगों से लिया जा रहा है। कहाँ पहुंच गए हम लोग, कैसी स्थिति में हम पहुंच गए हैं, क्या हम लोग इसको बैठ के चुपचाप से एक्सेप्ट भी कर लेंगे। हर एक गांव में जहां मैं गई हूं, उन गांव के अंदर महिलाओं ने चल चल के मेरे को ये कहा है कि पेयजल की आपूर्ति को आप इसको संभालिए। मैं अभी बगड़ का पता कर रही थी, तो बगड़ ने मेरे को बताया कि कस्बे में अब पर्याप्त है आपूर्ति, 24 घंटे में आधे से 1 घंटा पानी मिलता है, और आप लोग कुछ नहीं, मैंने मुझे समझ में नहीं आ रहा है, ये 4 साल 4.5 साल से इतना ही समय पानी आपको मिलता है, उसके ऊपर आपको आदत हो गई। चलो भाई, अपने को तो यही मिलना है, ऐसे ही चलना है, चलो जो भी है वो करेंगे, चुपचाप बैठेंगे। जब अपन सरकार को आंकते हैं कि किन चीजों के ऊपर आंकते हैं, ये तो आंकना ही जरूरी है कि भाई उसका परफॉर्मेंस कैसा रहा, उनकी डिलीवरी कैसी रही, क्या उन्होंने आपको जो जनता की मूलभूत सुविधाएं हैं उनको पहुंचाया। अगर नहीं पहुंचाया तो ऐसी सरकार को हम फिर लाके अपना गला क्यों खत्म दबोचना चाहते हैं, क्यों संकट में फंसना चाहते हैं, मुझे ये समझ में नहीं आया। गांव और ढाणी की समस्या तो ज्यादा है, जगह जगह पे फ्लोराइड, जगह जगह पे खारा पानी, यहाँ आपके यहाँ बोलते तो डार्क जोन है, आप लोग कहीं ट्यूबवेल और आपका कुआं खोद नहीं सकते हो, परंतु हजारों लोगों से मेरी आज बात हुई है, और सब लोगों ने मेरे को ये कहा है कि 100-200 कुएं हमने खोद दिए, हमको तो खाली सही जगह पे रिश्वत देनी पड़ती, कहां तक करोगे, कहीं तो रोक पड़ोगे कि नहीं करोगे। और ये मैं तो ये कह रही हूँ आप लोगों को कि समय आ गया है कि यहाँ एक एक व्यक्ति को अब रिस्पॉन्सिबिलिटी जिम्मेदारी लेनी है, नहीं तो राजस्थान की तो ऐसी हालत होने वाली है जिसमें कोई कुछ इसके लिए आगे नहीं कर पड़ेगा। माता बहने सिंगल फेज की दिन भर में 5 या 7 बार अघोषित कटौती है, जिसकी समय सीमा 3 अब मैंने तय नहीं है, नहीं आप गर्मी में पसीने में लथपथ होके बैठे रहो। 3 फेज बिजली 3 या 4 घंटे से ज्यादा किसी को नहीं मिल रही। CHC में चिकित्सक 9 के पद हैं, परंतु 5 पद कहते मुझे खाली है, हो सकता है उससे ज्यादा भी। ये भी है कि 5 साल से महिला विशेषज्ञ नहीं है, और आप मुझे समझ में नहीं आता वो एक्चुअली में कहाँ चली गई हैं, क्योंकि मैंने 5 और जो डिवीजन है और ये 6 चल रहा है, कहीं भी मुझे नहीं मिली। कहाँ चले गए सर, समझ में नहीं आता है। जहां जहां मैं गई हूँ सबने मेरे को यही कहा है। राजकीय सेकेंडरी स्कूल को क्रमोन्नत करने की आप लोगों ने मांग की है, ये छोटी सी चीज है, ये तो रोज रोज का काम है, होना चाहिए, और नहीं हो रहा है तो क्यों नहीं हो रहा है। तो एक ही सरकार है जो आप लोगों के स्कूल को पहली दफा में बंद कर रही है, ये मैंने कभी सुना ही नहीं, कहीं नहीं सुना है। और मेरे को तो आप ही कहते हो, अरे हमने क्या है मैग्नेट सिटी बना दी जयपुर, और हमने भरतपुर को क्या नेशनल कैपिटल रीजन के अंदर बना लिया है, और कौन सी जगह थी, अलवर में हम ले जाएंगे वो मेट्रो, मेट्रो मुझे समझ में नहीं आता क्या है वो मेट्रो। तो ऊपर से मेरे को तो जो ध्यान है, हो सकता है कि मैं ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं हूँ, तो जो मेरे ध्यान में है वो मेट्रो तो अंदर से जाती है, नीचे से जाती है, ऊपर से तो जाती नहीं है। आज जयपुर की पूरी स्काईलाइन कम्प्लीटली खत्म करके छोड़ दी है, तो पर्यटक जिस चीज के लिए आते हैं वो तो चीज पूरी तरह से खत्म हो गई। पर अब क्या कर सके, कोई उसको कहने के लिए नहीं बैठा है, ना तैयार है कोई। 37 किलोमीटर के लिए 12,000 करोड़ रुपए पर खर्च करने जाना, सोच लो आप लोग,
और उसमें ट्रैफिक कोई नहीं जानता कितना होने वाला है, परंतु हम ये दिखाना चाहते हैं जब हम चुनाव में जाएंगे हम मेट्रो लाए, ये हमें किसी के सामने पहलवान बनने की जरूरत नहीं है। मैं तो समझती हूँ कि समय आ गया है, हमको हमारे छोटे मूलभूत सुविधाएं यही दे दो, हमको बिजली दे दो, हमको पानी दे दो, हमको सड़क दे दो, हमको रोजगार दे दो, हमको डॉक्टर दे दो, हमको टीचर दे दो, ये सब चीजों को छोड़ दो, पहले ये तो दे दो, उसके बाद इस सब काम करना। ये काम नहीं है, भूखे बैठे हैं, प्यासे बैठे हैं, बिना बिजली के बैठे हैं, तो आपकी मेट्रो कैसे चलेगी? इसके बारे में तो कोई सोचेगा, उसके लिए भी तो बिजली की जरूरत पड़ेगी। तो मैं कुछ नहीं कह सकती, मैं तो इतना कह रही हूँ कि ये सब चीजों के ऊपर आप लोगों को ध्यान देने की जरूरत है। कभी कभी डर लगता है अगर कोई IAS ऑफिसर ये कहे कि हमें मालूम नहीं कि 2 महीने के बाद हमारी तनख्वाह हमें मिलेगी कि नहीं, और एक नहीं 2-4 ये कहें, तो इसके बारे में भी अपने को सोचने की जरूरत है। राजस्थान ऐसी स्थिति में पहुंच जाए जबकि 5 साल पहले रेवेन्यू सरप्लस थी, तो भगवान भरोसे। आप लोगों ने मुझे यहां बुलाया, एक बहुत पुण्य काम के लिए बुलाया, उसके लिए मैं आप सबकी बहुत आभारी हूं। और इंस्टीट्यूट, कोचिंग संस्थान, ये सब प्रबंधकों को मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ।